नमस्कार परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज की पी अपडेट में लॉकडाउन से लेकर अनलॉक तक के समय में गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर डॉक्टर अरुण कुमार राज ने जानकारी साझा किया है। भारत में कोरोना महामारी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा देशव्यापी लॉकडाउन से भारतीय अर्थव्यवस्था इससे ज्यादा प्रभावित हुआ, जिससे अर्थव्यवस्था में तेजी से गिरावट दर्ज हुआ। इस लॉकडाउन में किसानों ने देश को संभाला है। वहीं ललिता कुमारी गृहिणी ने दालचीनी दूध के फायदे को लेकर जानकारी साझा की है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। कोरोना संकट और डूबती अर्थव्यवस्था, गिरती जीडीपी और बिगड़ते आर्थिक हालात पर भी सोचिए। हमारा देश एक भयानक आर्थिक संकट की ओर जा रहा है। कुछ ही सालों पहले तक हमारी अर्थव्यवस्था 8% की विकास दर से बढ़ रही थी, जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी। लेकिन अब हालात बद से बदतर हो रहे हैं। इस तिमाही का रिपोर्ट बताती है कि हमारे देश की जीडीपी गिरकर 23.9% रह गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसे 1996 के बाद ऐतिहासिक गिरावट माना जा रहा है, और इसकी वजह है कोरोना वायरस की वजह से हुआ दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन। जब पहली बार लॉकडाउन लगा तब अनेकों ने यह लिखा, यह समस्या का समाधान नहीं हो सकता, लॉकडाउन का कोरोना से कोई लेना देना नहीं है, ये बस मुसीबत को कुछ दिनों के लिए स्थगित करने जैसा है। खैर, सच तो ये है, इस लॉकडाउन से पहले ही देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। कार से लेकर कालीन उद्योग कर बर्बाद और बंद होने लगे थे। रही सही कसर कोरोना ने पूरी कर दी। जीडीपी 40 साल में पहली बार इतनी नीचे गिरी। अब तो आपको साफ दिख रहा होगा कि बेरोजगारी अब तक के चरम पर है। विकास के बड़े इंजन, खपत, निजी निवेश या निर्यात ठप पड़े हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि सरकार के पास इस मंदी से बाहर निकलने और खर्च करने की ना क्षमता है, ना समझ है और ना ही छत सकती। देश में भ्रष्टाचार और अफसरों का नकारापन चरम पर है। आप कह सकते हैं कि सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा है, आलू प्याज 30 रुपए किलो है, आटा चावल अरहर की दाल कुछ महंगा नहीं हुआ, फिर ये कमबख्त अर्थशास्त्री गिरती जीडीपी की मातम क्यों मना रहे हैं? फिर सारी दुनिया कोरोना की चपेट में है, सबकी अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, फिर केवल मोदी जी की सरकार पर निशाना क्यों? पहली नजर में यह तर्क जायज लगता है, पर ऐसा है नहीं। देश की अर्थव्यवस्था को अगर किसी ने संभाला है तो वह हमारे किसान हैं। इस तिमाही में सिर्फ कृषि क्षेत्र से ही अच्छी खबर आई है। इस साल मानसून की अच्छी बारिश के कारण कृषि सेक्टर में 3% से 3.4% के दर से बढ़ोतरी हुई, इसलिए सब्जी और किराना बाजार पर मंदी का असर नहीं दिख रहा है। और कोरोना काल में सिर्फ इन्हीं चीजों की मांग और सप्लाई है, लेकिन बाकी हर तरफ तंगहाली है। छोटे व्यवसायियों से जाकर पूछिए क्या हाल है उनका। शोरूम में मध्यम वर्गीय बिजनेसमैन से जाकर पूछिए कितने टीवी फ्रिज आदि बिक रहे हैं। होटल वालों से पूछिए, व्यापार, होटल और ट्रांसपोर्ट जैसे क्षेत्र में 47% की गिरावट आई है। एक समय भारत का सबसे मजबूत रहा निर्माण उद्योग 39% तक सिकुड़ गया है। शहरों में फ्लैट्स के दाम 20% तक गिर गए हैं, कोई खरीदार नहीं है। पिछले साल अगस्त में कार बिक्री में 32% की गिरावट दर्ज की गई, जो 2 दशकों में सबसे अधिक थी। ये कोरे आंकड़े नहीं है, जमीनी हकीकत है। बेशक आपको कार और होटल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपके पड़ोसी के बच्चे कल तक वहां नौकरी करते थे, आज वे बेकार हैं क्योंकि उनके मालिक ने उन्हें घर बैठा दिया है। पिछले साल कितने ही प्रतिभाशाली बच्चों का मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट हुआ था, लेकिन उनके ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार है, क्योंकि बाजार इतना नीचे गिरा है कि ना बिक्री हो रही है ना सप्लाई। लेकिन आपको ये नहीं दिख रहा, क्योंकि ये सब आपके पड़ोस में हो रहा है। अब आप कह रहे हैं कि पूरी दुनिया का यही हाल है। बिल्कुल यही हाल है, लेकिन इतना बुरा नहीं जितना भारत में है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में जहां इसी तिमाही में
9.5% की गिरावट है, वहीं जापान की अर्थव्यवस्था में 7.6% की गिरावट दर्ज की गई है। चीन में 6% की गिरावट के बाद 2% की वृद्धि हुई, लेकिन हम 23% नीचे चले गए। और सबसे दुखद बात यह है कि फिलहाल ऊपर आने की कोई संभावनाएं भी नहीं दिख रही है। धन्यवाद, आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। दूध में दालचीनी मिलाकर पीने के हैं कई फायदे। झटपट दूर हो जाएंगी ये छोटी मोटी सारी बीमारियां। भारतीय रसोई में इस्तेमाल होने वाले मसाले न केवल खाने की स्वाद को बढ़ाते हैं बल्कि सेहत को भी कई तेज तरह से लाभ पहुंचाते हैं। दालचीनी भी इन्हीं मसालों में से एक है। एक तरफ दालचीनी जहां खाने के जायके को बढ़ाने का काम करता है, वहीं स्वास्थ्य के लिए भी यह बहुत फायदेमंद है। कई औषधीय गुणों से भरपूर दालचीनी सेहत के साथ साथ खूबसूरती बढ़ाने में भी फायदेमंद है। वैसे तो दालचीनी अपने आप में ही एक अच्छी औषधि है, लेकिन इसे दूध के साथ मिलाकर पीना और भी फायदेमंद होती है। दालचीनी वाले दूध के सेवन से कई तरह की बीमारियां दूर होती है। आइए जानते हैं दालचीनी वाले दूध से होने वाले फायदे के बारे में। अच्छी नींद। कई लोगों को रात में अच्छी नींद नहीं आती है, अगर आती भी है तो जल्दी आंख खुल जाती है। ऐसे लोगों के लिए दालचीनी वाला दूध बहुत फायदेमंद होता है। दालचीनी में पाए जाने वाले अमीनो एसिड दिमाग को शांत करने का काम करता है, जिससे अच्छी नींद आती है। वहीं गर्म दूध के सेवन से शरीर की थकान और तनाव को भी दूर करता है। डायबिटीज की समस्या में इंसुलिन को बढ़ाने के लिए दालचीनी सबसे सस्ता उत्पाद है। यह शरीर में ब्लड शुगर को नियंत्रित करने का काम करता है। मधुमेह की समस्या से ग्रसित लोगों को दालचीनी वाले दूध का सेवन करना चाहिए। कई अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि दालचीनी के औषधीय गुण ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करते हैं, हड्डियों को मजबूत बनाने। दालचीनी में पाए जाने वाले कैल्शियम, फाइबर और मैग्नीन हड्डियों को मजबूती देने का काम करते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ की माने तो बहुत समय पहले से ही लोग हड्डियों की मजबूती के लिए दालचीनी वाले दूध का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, दालचीनी वाले दूध के नियमित सेवन से गठिया की समस्या भी नहीं होती है। त्वचा और बाल। दालचीनी वाले दूध पीने से त्वचा से संबंधित हर समस्या दूर हो जाती है। इसमें पाए जाने वाले एंटी बैक्टीरियल गुण त्वचा के रोगों से और इन्फेक्शन से बिल्कुल सुरक्षित रहता है। वहीं बालों की समस्या को दूर करने के लिए दूध के अलावा दालचीनी और शहद के मिश्रण काफी कारगर रहता है। दालचीनी से इस इन्फेक्शन भी नहीं होता है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।